डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है हिमल एंड पेरी हिमल सिस्टम ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर अपन हिमल सिस्टम पढ़ेंगे और साथ में पेरी हिमल सिस्टम पढ़ेंगे। हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम क्या है कि स्टारफिश के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसी का नाम क्या हिमल सिस्टम और पेरी हिमल सिस्टम है। क्योंकि स्टारफिश के अंदर हर्ट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और उसके जो उसका जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो पेंटागोनल होती है। तो उसके अंदर जो लोकोमोशन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं हिमल सिस्टम, जो कि न्यूट्रिएंट्स जो है खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, और यही कार्य है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, पेरिहिमल या हिमल सिस्टम नाम है, जिसको अपन आज पढ़ेंगे। यहां पर दो नाम है, एक तो हिमल और एक है पेरिहिमल सिस्टम। हिमल सिस्टम एक्चुअल जो सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर है, वो है हिमल सिस्टम। और उस हिमल सिस्टम के ऊपर एक और सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है पेरी हिमल सिस्टम। यानी हिमल सिस्टम को जो इनक्लोज करके रखता है वो क्या कहलाता है, पेरी हिमल सिस्टम। मान लीजिए ये हिमल सिस्टम है और इसको ऊपर से कवर कर रखा है, ये हिमल सिस्टम है और उसको ऊपर से जो कवर कर रखा है उसी को अपन क्या कहते हैं, पेरी हिमल सिस्टम। तो पेरी हिमल सिस्टम है, उसका अपना कोई विशेष योगदान नहीं है, केवल और केवल वो है हिमल सिस्टम को इनक्लोज करके रखता है, या यूं मान लीजिए कि वो हिमल सिस्टम को एक तरीके से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके लिए स्थान है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो मेन इसके अंदर क्या होता है, हिमल सिस्टम। अब इन दोनों में क्या होता है कि जैसे अपन पहला लेते हैं हिमल सिस्टम। हिमल सिस्टम में है क्या, इंटरकम्युनिकेटिंग चैनल्स हैं, इंटरकम्युनिकेटिंग साइनसेस हैं और चैनल्स होते हैं, जिसके अंदर सिलोमिक फ्लूड भरा रहता है और सिलोमोसाइट्स होती है, कणिकाएं पाई जाती है। यानी जो हिमल सिस्टम है उसके अंदर केवल और केवल साइनस होते हैं या फिर क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, और उन चैनल्स के अंदर क्या भरा रहता है, सिलोमिक फ्लूड भरा रहता है, और उस फ्लूड के अंदर कॉर्पसल्स पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं सिलोमोसाइट्स, कणिकाएं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, फ्लूड है ये, सिलोमिक फ्लूड है ये, और यही इसका ब्लड कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कणिकाएं, कौन सी, सिलोमोसाइट्स। ठीक है, तो कणिकाएं यहां पर सिलोमोसाइट्स है और सिलोमिक फ्लूड भरा रहता है, तो वही इसका ब्लड है, वही इसका ब्लड है। तो ये क्या है, एक तरीके से सिलोमिक फ्लूड है। अब जो ये चैनल्स है, उन चैनल्स के ऊपर एक्चुअल जो एपिथीलियम की लाइनिंग नहीं होती है, तो वो एक तरीके से आर्थ्रोपोड और मोलस्क के अंदर जो हिमोसील पाया जाता है, उसी प्रकार से ये चैनल्स दिखाई देते हैं। तो सिलोम का रूपांतरित पार्ट है ये, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो एपिथीलियम है वो नहीं होती है। यहां पर अपन पेरी हिमल सिस्टम को अगर देखें तो ये भी क्या है, सिलोम का पार्ट है, लेकिन यहां पर क्या है, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाई जाती है, और वो केवल क्या करता है, हिमल सिस्टम को है वो इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, मैं इसको और समझाऊंगा तब आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए हिमल सिस्टम में देखिए सबसे पहली संरचना, यहां पर जो अपन ने डायग्राम बनाया है ये देखिए आप, स्टारफिश के अंदर अपन ने पढ़ा है कि एक ओरल सरफेस होती है और एक नीचे वाली होती है, वो अबोरल सरफेस होती है, ऊपर वाली ओरल और नीचे वाली अबोरल। अबोरल ओरल का मतलब जिस ओर माउथ होता है वो, ये अपन ने ओरल सरफेस दिखा रखी है, और यहां पर अपन ने क्या दिखा रखा है, अबोरल सरफेस। यहां पर देखिए माउथ है, इसका मतलब ये क्या है, ओरल सरफेस है, और ये दिखा रखी है अपन ने अबोरल सरफेस। यद्यपि ये दोनों डायग्राम, ये वाली सरफेस इसके ऊपर है, लेकिन अपन ने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि ये ओरल सरफेस है और ये अबोरल सरफेस है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए देखो ये बीच में एक एक्सियल ग्लैंड है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये ओरल सरफेस है, इस ओरल सरफेस के ऊपर देखिए पहला जो
चैनल है उसका नाम क्या है, ओरल हीमल रिंग, ओरल हीमल रिंग। ये देखिए ये ओरल हीमल रिंग है, ये पूरी की पूरी ओरल हीमल रिंग है, जहां मैं ये चोक चला रहा हूं ये ओरल हीमल रिंग है। तो ये किसका पार्ट हुआ, हीमल सिस्टम का। यहां पर जो मैंने नाम लिख रखे हैं वो हीमल सिस्टम के लिख रखे, और इस साइड के अंदर जो नाम लिख रखे हैं वो किसके, पेरी हीमल सिस्टम के। तो ये पहला पार्ट किसका हुआ, ओरल हीमल रिंग। नाम से स्पष्ट है ओरल साइड में होगा, हीमल सिस्टम का पार्ट है, रिंग है ये रिंग। अब इसको इनक्लोज करने वाली रिंग का नाम क्या है, ओरल पेरी हीमल साइनस या केनाल। ये देखिए ये जो अपने दिखा रखी है, ये पूरी की पूरी दिखा रखी है, ये जो दिखा रखा है पार्ट वो क्या, ओरल पेरी हीमल साइनस या केनाल। तो इस ओरल हीमल रिंग को कवर कर रखा है किसने, ओरल पेरी हीमल साइनस या केनाल ने। तो वो पार्ट किसका हुआ, पेरी हीमल का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हीमल सिस्टम है उसको कवर करने वाला क्या कहलाता है, पेरी हीमल सिस्टम। या फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि पहले हीमल सिस्टम बताता हूं, ये ओरल हीमल रिंग है ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड, ये है रेडियल हीमल साइनस, रेडियल हीमल साइनस। तो ये क्या था, ये था ओरल हीमल रिंग, इससे निकलने वाली पांचों भुजाओं में, क्योंकि स्टारफिश के अंदर पांच भुजा होती है, फाइव आर्म होती है, प्रत्येक आर्म के अंदर देखिए ये जा रहा है, तो इसका नाम क्या, रेडिएटिंग हीमल साइनस, ये रेडिएटिंग हीमल साइनस है। तो ये तो हुआ ओरल हीमल रिंग, और इस ओरल हीमल रिंग से निकलने वाली पांचों आर्म में जाने वाली क्या कहलाती है, रेडियल हीमल साइनस, ये रेडियल हीमल साइनस या केनाल। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा था अपन ने, रिंग केनाल पढ़ा था, प्रत्येक जो भुजा जाती है, प्रत्येक आर्म जाती है, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, रेडियल केनाल। तो यहां पर भी इसका नाम क्या दिया, रेडियल हीमल साइनस। थर्ड संरचना आती है एक्सियल ग्लैंड। ये देखिए ये जो अपन ने दिखाई है रिंग से निकलने वाली, ये दिखाई है बीच में दिखा रखी है, वो क्या है, एक्सियल ग्लैंड। अब इस एक्सियल ग्लैंड को, ये एक्सियल ग्लैंड क्या कर रही है, ओरल पार्ट और अबोरल पार्ट को जोड़ने का काम करती है, इंटरकम्युनिकेटिंग है ये दोनों के बीच में, कौन, एक्सियल ग्लैंड। और इस एक्सियल ग्लैंड का दूसरा नाम यहां पर हर्ट भी बोलते हैं इसको, इसका यानी इसका एक्चुअल में हर्ट नहीं है लेकिन इसको हर्ट भी बोलते हैं, और इसको ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं। ब्राउन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट भरा रहता है ब्राउन कलर का, इसलिए इसको ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं। इस एक्सियल ग्लैंड के अंदर बहुत सारे स्पेसेस, सिलोमिक फ्लूड, इसके अंदर फ्लूड भरा रहता है, क्योंकि इसके बीच बीच में खूब सारा स्पेस है तो इसके अंदर फ्लूड भी भरा रहता है, और इसके अंदर बीच में खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिलोमोसाइट्स। तो इसके अंदर सिलोमोसाइट्स भी पाई जाती है किसमें, एक्सियल ग्लैंड के अंदर। इस एक्सियल ग्लैंड का जो आगे का भाग है वो देखिए मॉडिफाई होकर के देखो आगे निकला हुआ है इस प्रकार से, ये आगे निकला हुआ पार्ट है, ये कहलाता है टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। यही एक्सियल ग्लैंड ऊपर जाकर के देखिए ये बना रही है, क्या बना रही है, टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड। और इस टर्मिनल हेड के ऊपर देखिए एक सैक है, ये एक सैक दिखा रखा है अपने, इस सैक का नाम है डोर्सल सैक, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। यानी एक्सियल ग्लैंड अबोरल ग्लैंड, अबोरल पार्ट के पास में जाकर के ऊपर की तरफ किसमें कन्वर्ट होता है, एक छोटा सा हेड बनता है जिसका नाम है टर्मिनल हेड ऑफ एक्सियल ग्लैंड, और उसके ऊपर एक कॉन्ट्रेक्टाइल शेक है जिसका नाम है डोर्सल शेक। इसके बाद में थर्ड के बाद में चौथा पार्ट आता है, यहां पर फोर्थ है अबोरल हीमल रिंग। ये देखिए ये बीचों बीच क्या है, अबोरल हीमल रिंग है, ये अबोरल हीमल रिंग है, ये चौथा पार्ट है किसका, हीमल सिस्टम का। और पांचवा पार्ट ये रहा जिनाइटल हीमल स्टेंट।
जिनाइटल ह्यूमर स्टेड, ये देखिए ये जिनाइटल ह्यूमर स्टेड है, यानी अबोरल जो पार्ट है उसमें पांचों भुजाएं जो है उनके पास में दो दो, यानी टोटल 10 क्या निकलेंगे, जिनाइटल ह्यूमर स्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, जिनाइटल ह्यूमर स्टेड है जो कि गोनेड्स को जाते हैं। ये अपन ने क्या दिखा रखा है, गोनेड्स, तो ये गोनेड्स को जाता है। ह्यूमर सिस्टम में मैंने पांच पार्ट बताया, पहला बताया ओरल ह्यूमर रिंग, जो कि ओरल पार्ट पर माउथ के चारों तरफ एक रिंग होती है जिसका नाम क्या है, ओरल ह्यूमर रिंग। दूसरा होता है रेडियल ह्यूमर रिंग या साइनस या केनाल, ये देखिए प्रत्येक आरंभ में जाती हुई ये क्या है, रेडियल ह्यूमर रिंग। थर्ड मैंने बताया एक्जियल ग्लैंड जो दोनों को जोड़ती है, फ्लूइड बनाया जाता है इसमें, हार्ट भी बोलते हैं इसको, ब्राउन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, सिलोमोसाइट्स इसके अंदर भरी रहती है, और इसका ऊपर वाला पार्ट जो मॉडिफाई होकर के क्या बनाता है, हेड, और इसके ऊपर एक सैक है जिसका नाम बताया अपने डोर्सल सैक। तो ये तीन पार्ट हो गए, थर्ड हो गया एक्जियल ग्लैंड। फोर्थ अपन ने बताया अबोरल ह्यूमर रिंग, ये अबोरल ह्यूमर रिंग है जो कि अबोरल पार्ट में पूरी की पूरी रिंग बनती है जिसका नाम है अबोरल ह्यूमर रिंग। जैसे यहां पर ओरल ह्यूमर रिंग है वैसे यहां पर क्या, अबोरल ह्यूमर रिंग है। और उसके बाद में इस अबोरल ह्यूमर रिंग से निकलने वाले ये क्या कहलाते हैं, जिनाइटल स्टेंड, जो कि 10 होते हैं और गोनेड्स को जाते हैं, ये पांचवा पार्ट है जिनाइटल ह्यूमर स्टेंड। तो ये है ह्यूमर सिस्टम। इसके अलावा देखिए एक संरचना अपन यहां पर और दिखा रखी है, बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गैस्ट्रिक टफ्ट। ये गैस्ट्रिक टफ्ट है जो कि ह्यूमर साइनस से निकलते हैं, इन्हीं साइनस से ये निकलती है, कौन, गैस्ट्रिक टफ्ट निकलते हैं, और वो गैस्ट्रिक टफ्ट कार्डियक स्टोमक की वाल में प्रवेश करते हैं, कार्डियक स्टोमक की वाल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां से डाइजेस्टेड फूड को लेकर के पूरी बॉडी के एक्जिल ग्लैंड में डालने का कार्य करते हैं, और यहां से वो प्रत्येक है वो पार्ट में जाता है ब्लड। अब लेते हैं अपन पेरिहेमल सिस्टम। पेरिहेमल सिस्टम में देखिए आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। हिमर्स पेरिहेमल सिस्टम में अपन ने क्या बताया कि ये केवल इनक्लोज करता है किसको, हिमर सिस्टम को। तो एक एक चीज को देखिए, ह्यूमर सिस्टम में क्या, ओरल ह्यूमर रिंग, ये रिंग इसको इनक्लोज करने वाला ओरल पेरिहेमल साइनस सॉरी जो कि पेरिहेमल सिस्टम का पार्ट है, ओरल पेरिहेमल साइनस। फिर दूसरा अपन ने बताया रेडियल ह्यूमर साइनस, ये रेडियल ह्यूमर साइनस है तो इनको क्लोज करने वाली, ये देखिए ये क्लोज करने वाली ये क्या, रेडियल पेरिहेमल साइनस, ये पेरिहेमल साइनस है और ये ह्यूमर साइनस है, तो ये इसको इनक्लोज करता है। दो, ये अपन ने एक्जियल ग्लैंड बताई थर्ड पार्ट, तो एक्जियल ग्लैंड को कवर करने वाला ये जो पार्ट अपन ने दिखा रखा है रेड कलर से, जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है वो पेरिहेमल है सॉरी और जो व्हाइट से दिखा रखा है वो क्या, ह्यूमर है। तो ये देखिए ये वाला क्या, एक्जियल साइनस, ये तो एक्जियल ग्लैंड है जो कि ह्यूमर सिस्टम का पार्ट है, और ये क्या है, एक्जियल साइनस है जो कि इस एक्जियल ग्लैंड को कवर करता है, एक्जियल साइनस। फोर्थ अपन ने बताया अबोरल ह्यूमर रिंग, ये अबोरल ह्यूमर रिंग बता रखी है अपन ने, और यहां देखिए ये पार्ट अबोरल पेरिहेमल रिंग, इसको कवर करने वाली ये क्या कहलाती है, अबोरल पेरिहेमल रिंग। और पांचवा अपन ने बताया जिनाइटल ह्यूमर स्टेंड, ये जिनाइटल ह्यूमर स्टेंड दिखाया अपन ने जो कि गोनेड्स को जाते हैं, तो आपने ये दिखाया इधर देखिए जिनाइटल पेरिहेमल साइनस जो कि इस पेरी इस जिनाइटल ह्यूमर स्टेंड को कवर करता है, ये कहलाता है जिनाइटल पेरिहेमल साइनस। तो एक एक चीज को अपन ने देखा कि जो ह्यूमर सिस्टम है उसी के ऊपर उसको इनक्लोज करने वाला पेरिहेमल सिस्टम का पार्ट है, तो ओरल ह्यूमर रिंग, ओरल पेरिहेमल रिंग, रेडियल ह्यूमर साइनस, रेडियल पेरिहेमल साइनस कंपैरेटिव अपन करते हैं तो एक्जियल ग्लैंड उसको ढकने वाला एक्जियल साइनस,
अबोरल हिमल रिंग, इसको कवर करने वाला अबोरल पेरी हिमल रिंग, जिनाइटल हिमल रिंग, और इसको कवर करने वाला ये क्या है, जिनाइटल पेरी हिमल साइनस। इसके अलावा देखिए पेरी हिमल सिस्टम के अंदर दो स्ट्रक्चर और भी होती है, एक होता है मार्जिनल, मार्जिनल साइनस, और एक होता है पेरी ब्रिंकियल साइनस। जो ये मार्जिनल साइनस है वो इनके नीचे नीचे चलते हैं, यानी जिनाइटल पेरी हिमल साइनस है उन्हीं के नीचे क्या है मार्जिनल साइनस, तो यहां पर 10 ही क्या पाए जाते हैं मार्जिनल साइनस, और ये है पेरी ब्रिंकियल साइनस, यानी इसका जो गिल होता है पेपुली होती है उसके नीचे अगर प्रवेश करने वाले वो क्या कराते हैं पेरी ब्रिंकियल साइनस। तो यहां पर केवल एकमात्र ये संरचना है गैस्ट्रिक टफ्ट जो कि पेरी हिमल साइनस इसको इनक्लोज नहीं करता है। सारी की सारी संरचनाओं को अपन देखें, टोटल स्ट्रक्चर को देखें, तो उसको इनक्लोज करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पेरी हिमल सिस्टम, और उस पेरी हिमल ये केवल और केवल गैस्ट्रिक टफ्ट है जो कि पेरी हिमल साइनस के द्वारा, पेरी हिमल सिस्टम के द्वारा इनक्लोज नहीं किया जाता है, ये फ्री है अपने आप में। और ये किस कहां से निकलता है, जो साइनसेस होते हैं उनसे निकल करके कार्डियक स्टोमक को जोड़ता है और वहां से फूड को अब्सॉर्ब करके एक्जिलर ग्लैंड में डालता है, और यहां से है वो भोजन है वो शरीर के प्रत्येक भाग में जाता है। तो पेरी हिमल सिस्टम केवल हिमल सिस्टम को है वो इनक्लोज करने का काम करता है। अब इस हिमल सिस्टम का कार्य क्या है, देखिए जो भी फूड है न्यूट्रिएंट्स को ये प्रत्येक बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है हिमल सिस्टम। तो जैसे ही आमाशय के अंदर स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होगा तो वो डाइजेस्टिव फूड वहां से लेकर के ये गैस्ट्रिक टफ्ट है वो लेकर के आता है किसमें, एक्जिल ग्लैंड में। और इस एक्जिल ग्लैंड में अपन ने क्या बताया, फ्लूइड भी बराबर है, ये इसका हार्ट भी बोला गया, ये इसका ब्राउन ग्लैंड भी बोला गया, किसको, एक्जिल ग्लैंड को। तो जो फूड ये जो गैस्ट्रिक टफ्ट जो स्टमक के अंदर से जो फूड लेकर के आएंगे, डाइजेस्टिव फूड लेकर के आएंगे, उस फूड को एक्जिल ग्लैंड के अंदर पाई जाने वाली सिलोमोसाइट्स ऑब्जर्व कर लेती है, और वो सिलोमोसाइट्स यहां से उस फूड को ये देखिए किसमें, अबोरल हिमल रिंग में डालता है, यहां से ओरल हिमल रिंग में डालता है, ओरल हिमल रिंग किसमें डालती है, रेडिएटिंग में डालती है, और इधर अबोरल हिमल रिंग है वो किस में डालती है, स्टैंड में, जो कि गोनेड्स को जाता है। और यहां से ये जो रेडियल हिमल स्टैंड है, ये रेडियल हिमल स्टैंड कहां जाएंगे, आर्म में, इस प्रकार से आर्म में जाएंगे, और आर्म में अपने को पता है क्या पाए जाते हैं, किस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, ट्यूब फीट। तो ये ट्यूब फीट को कवर करने वाली ये क्या है, पेरी हिमल, और ये फूड यहां से इन ट्यूब फीट तक को भी सप्लाई करने का काम करता है, कौन, रेडियल हिमल साइनसेस। तो एक्चुअल में हिमल सिस्टम का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये काम है इसका हिमल सिस्टम का, यानी जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो गया उस डाइजेस्टेड फूड को गैस्ट्रिक टफ्ट लेकर के आती है, किसमें डालती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और गैस्ट्रिक ग्लैंड दोनों तरफ से इंटरकम्युनिकेटिंग है, ओरल सरफेस को भी और अबोरल सरफेस को भी, और वो इस हिमल रिंग के द्वारा, ओरल हिमल रिंग के द्वारा ओरल पार्ट को, अबोरल हिमल रिंग के द्वारा अबोरल पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है, अबोरल ओरल हिमल रिंग रेडिएटिंग के द्वारा ट्यूब फीड को सप्लाई कर देती है, और अबोरल हिमल रिंग है वो जिनाइटल स्टैंड के द्वारा गोनेड्स को सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर वह फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो हिमल सिस्टम है और पेरी हिमल सिस्टम है वो सर्कुलेट एक तरीके से क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही कहलाता है ये। तो ये इसका स्टारफिश का हिमल एंड पेरी सिस्टम है, पेरी हिमल सिस्टम। थैंक्स।